अस्सलामुअलैकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हूँ सब खैर वाफिस होंगे। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो तमाम जानों का मालिक है। और ये हमारा शहजादा हमारे साथ आज व्लॉग स्टार्ट करवा रहे हैं क्योंकि भाई क्या हो रहा है आज के बहुत तंग कर रहे हैं, बैठ नहीं रहे बिल्कुल, कह रहे हैं बस मुझे ले कर घूमते रहो। और इसके साथ ही हम लोग काम शाम करते हैं। और माशाल्लाह जी आज भी हम लोगों का रोज़ा है। और आप बताइए आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। हमारी तरफ तो मौसम अच्छा है लेकिन दिन में जो है ना बहुत सख्त वाली गर्मी होती है। हाँ देखा, ये भी बता रहे हैं दिन में बहुत सख्त वाली गर्मी होती है। और मैंने बच्चों को भेजा था ट्यूशन, बच्चे ट्यूशन पढ़कर भी आ गए हैं, यानी कि हम काफ़ी देर से उठे हुए हैं। और कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह पाक के फजल व करम से। हम लोग व्लॉग स्टार्ट करते हैं, इफ्तारी की तैयारी करते हैं। और अभी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। जी समझ गए ना आप लोग, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट कर दें। ये भी बोलना था जी, तो एक लाइक हमारे लिए बनता तो है ना, हम इतने मजे मजे की इफ्तारी बनाते हैं जी। चले जी इफ्तारी बनाते हैं, इफ्तारी में मिलते हैं आपसे। वेलकम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद हुसैन। हमारे चैनल को लाइक करेगा और सब्सक्राइब करेगा। आहा खुशबू भी आ रही है। आहा मम्मा को खुशबू आती है मोहसिन के पास से, ओ हुसैन के पास से। और इस बच्चे ने सुरमा भी लगाया है, आइस दिखाओ। ये देखें आइस, देखें इस बच्चे ने सुरमा भी लगाया है। और स्पेशल मुझे कह के इसने कपड़े निकलवाए हैं कि मेरे लिए वाइट सूट निकालें, आज जुमे का दिन है। और हसन भी नहा चुका था, कपड़े इसने चेंज कर दिए, अभी इसको दोबारा से कपड़े पहनाते हूँ, यहाँ की सफाइयाँ करते हैं, झटपट अफ्तारी बनाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो मौसम को मैंने वॉकर में खड़ा कर दिया, मैंने रात में चने भिगो के रखे थे, उबाल लेते हैं, अभी ये कच्चे हैं। गैस चेक करते हैं गैस आ रही है या नहीं आ रही। चने भिगोए तो मैंने इसमें थे लेकिन इसमें नहीं उबालेंगे हम, उबालेंगे इस वाली पतीली में। पानी डाल देते हैं, दे हमने चने उबलने के लिए। और इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच भर के नमक भी। चलिए जब तक हमारे चने उबलते हैं हम दूध भी खोल लेते हैं, दूध को भी उबाल लेते हैं ताकि दही जमाने के लिए हमारे पास दूध उबला हुआ रखा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तरफ दूध उबलने रख दिया और एक तरफ हमारे चने रेडी हो रहे हैं। पानी में अच्छे से उबाल आ गए हैं, उबाल आने के बाद जो भिगोए हुए चने थे ना वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो टाइम अफ्तारी का टाइम करीब आता है ना, वैसे वैसे टाइम ऐसे मिनटों में भाग रहे होते हैं, पता नहीं मुझे ऐसे लगता है या सबके साथ ऐसा होता है, कॉमेंट में लाजमी बताइएगा। अच्छा जी हम जल्दी से चीनी घोल लेते हैं, लाल शरबत बनाएंगे हम, लाल वाला शरबत बनाएंगे हम। लीमू जो है ख़त्म हो गए थे, लीमू मैंने मंगाए थे, लीमू पानी बनाने के लिए लीमू ख़त्म हो गए थे, तो आज हम लाल वाला शरबत बनाएंगे। तो जल्दी से बना लेते हैं भाई। चीनी डाल दी हमने इसमें अच्छी खासी, चीनी घोलने के लिए इतना सा पानी काफ़ी है, बाकी हम ठंडा पानी इसमें शामिल करेंगे। तो इसको जल्दी से हम लोग घोल लेते हैं। अच्छा ये हुसैन को पकड़ा देती हूँ मैं। हुसैन आओ बेटा इधर आओ, एक काम कर दो, मुझे ये शरबत तो घोल दो बेटा, चीनी हाँ इसको घोल दो, शरबत बनाएंगे ना। आप क्या कर रहे थे, इसलिए पे जो दूध हमने रखा था वो भी तकरीबन होने वाला है और चने भी देखे अच्छे से उबल गए हैं। अच्छा जी इफ्तार का टाइम है माशाल्लाह। जी तो अफ्तारी से हम फारिग हो गए थे, सारे बर्तन भी मैंने धो के लगा दिए हैं, सेट वेट कर लिया है, किचन हाँ किचन सेट किया था आपको दिखाया नहीं था, आप अभी देख लें किचन पूरा सेट कर लिया है मैंने। और ये देखें इसमें मैं दही जमाती हूँ, जो छोटी सी एक हांडी है इसमें ना बहुत पहले कढ़ाई गोश्त लेकर आए थे वो लेकर आए थे, तो ये मैंने फिर धो के रख दी थी, मैंने कहा किसी दिन काम आएगी, तो अब ये काम आती है दही जमाने के। तो ये सारे बर्तन धो जा के मैं फारिग हो गई थी। और आज का दो दिन है ना वो थोड़ा टफ गुजरा है क्योंकि जुमे का दिन आपको पता है बहुत गर्म होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, फिर छोटे बच्चों के साथ है, छोटे छोटे काम निकलते रहते हैं। तो अभी किचन के बर्तन वर्तन सारे धो लिए हैं, समेट भी लिया है और बस अभी रात भी हो गई है, अब सोते हैं, बच्चे भी सो गए हैं, मोहसिन सोए हैं छोटे बड़े बच्चे, तो उनको जब हम लेटेंगे तभी वो लोग साथ हमारे सोएंगे। आज का दिन तो बस ऐसे ही ख़त्म हो गया, पानी भी भर दिया और पानी का बताना भी मैं भूल गई, वो बकर को पानी भी लेना था, आज पानी नहीं लिया और अभी सोने का टाइम भी हो गया। सोते सोते देखें एक बज रहा है अभी, और अभी दो घंटे बाद फिर से उठने सहरी के लिए। रमज़ानों में ज़रा रूटीन टफ हो जाती है लेकिन एक महीना होता है रहमतों वाला बरकतों वाला, तो होंगे और बस यहीं पे हमारा दिन ख़त्म होता है। आप बताएं आपका दिन कैसे गुजरा, आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं, और बस यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।